Hey everyone, good morning and welcome back to my channel. जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपको DLF वैली के घर का होम टूर दूंगी, तो हम DLF एंटर कर गए हैं. आप गेट देख सकते हो, यहाँ से ये एंट्रेंस है DLF की. भी गाड़ी यहाँ पार्क की है, तो ये है यहाँ पे पार्किंग स्पेस. सबके अपने अपने घर के बाहर अपने अपने पार्किंग स्पेस और रोड. बेसिकली मैं आपको ये DLF का टूर नहीं दे रही हूँ, होम टूर दे रही हूँ, तो ऊपर जाके मिलती हूँ. तो वेलकम टू आवर हाउस. जो जिसका घर है वैसे वही वीडियो बना रहा थी. नीचे डॉग में इसका भी घर है, इसका भी घर है, इसका भी घर है, सबका घर है. तो हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट एरिया से स्टार्ट करते हैं, जो कि है ये एरिया. जो सबसे ज्यादा इस घर में यूज होता है वो ये एरिया है. यहाँ पे हम बैठ भी जाते हैं, कई बार हम यहीं पे नीचे सो भी जाते हैं जहाँ पे जूनियर सोया है, क्योंकि ये वाला एरिया है हमारा मूवीज, वेब सीरीज और ये सब चीजें देखने वाला एरिया. आदि भैया का स्पेशल ओलेड में यहाँ से दीदी की आती है फर्स्ट बैल्कनी, जहाँ से DLF का फ्रंट का व्यू दिखता है. और यहाँ से नीचे का व्यू भी देख सकते हो, बहुत क्लासी सा वैसे सुंदर सा फॉरेन जैसा व्यू दिखता है. और ये डोर है, जब मैं आपको इस घर का फर्स्ट रूम दिखाऊंगी तो वहां से यही बैल्कनी अटैच होती है, तो वो आप खुद समझ जाना. बार बार एक ही बैल्कनी मैं नहीं दिखाऊंगी. अब हम जाएंगे इसी हॉल के सेकंड एरिया में. सेकंड एरिया है हमारा ये वाला एरिया, जिसपे जूनियर बैठता है ज्यादातर, या फिर कोई अगर ज्यादा लोग हो जाए तो बैठ जाते हैं, क्योंकि जिन्हें दो दो सोफे रखे हुए हैं. और यहाँ पे खाना खाने के लिए भी बैठ सकते हो, क्योंकि अच्छे वाले टेबल्स रखे हैं यहाँ पे. और दीदी के घर का मैं होम टूर इसलिए दे रही हूँ, क्योंकि दीदी ने बहुत सुंदर घर रखा हुआ है. मुझे ये दीदी की ये वाली वॉल इतनी ज्यादा सुंदर लगती है ना, इसमें से प्रॉपर घड़ी लगी है. और ये चारू दीदी का स्पेशल एरिया, पूरा सदगुरु का वो कोट है इसमें सदगुरु के. बात आता है यहाँ पे ड्रेसिंग रूम. यहाँ पे बहुत एक अच्छी चीज की है चारू दीदी ने, कि रूम में ये लाइट को क्या हुआ, हम यूज करेंगे फ्लैश लाइट. ये है चारू दीदी का मंदिर वाला एरिया, जो मुझे पता है अभी दिखाना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको साफ करना है मंदिर वाला एरिया. और ये है पूरा ड्रेसिंग रूम, कबर्ड्स यहाँ पे है. और रूम्स में इसलिए कपड़े नहीं जाते और गंद भी नहीं पड़ता है. और एक मिरर बड़ा वाला, बट मुझे ये वाला मिरर नहीं पसंद है. मैं आपको बताती हूँ मुझे कौन सा वाला मिरर पसंद है. वो है ये वाला मिरर, ये मिरर है चारू दीदी का. और है ये बार काउंटर. अब आपको दिखेंगी दुनिया की लजीज विस्की वोडका. ये देखो, ये बार काउंटर जैसे मामा अर्थ, बिम बार, कोलीन. ये जस्ट ऐसे शोपीस है आपके. शोपीस नहीं है, इसमें सारा राशन गंदा फंदा सब आता है. ये है यहाँ का स्टोर रूम, जो बाहर से लोगों को बार काउंटर लगता है. उसके बाद आता है ये डाइनिंग टेबल, जिस पे शायद एक या दो बार खाना खाया गया होगा. डाइनिंग के ऊपर आप देख सकते हो बहुत सुंदर बुद्धा का वो क्या किया दीदी, ये वो करके बनाया ना, क्या कार्व करके? नहीं, ये स्टोन है. अच्छा, ये स्टोन है, ये नेचुरल स्टोन है, इसका कलर ऐसे ही होता है. आप बताओ ना जो चीजें मुझे नहीं पता है. अरे ये साइड में जो है वो टाइल्स लगी हुई है, ये वो, और ये अंदर स्टोन है. इसमें जो कलर्स का वेरिएशन भी दिख रहा है ना, ऑल्दो इसमें ज्यादा दिख रहा है तेरे फोन में, बट ये जो वेरिएशन दिख रहा है ये भी इसका नेचुरली होता है, इसमें कुछ नहीं कर सकते.
लेट्स स्टार्ट विद रूम्स. रूम नंबर वन ये है दीदी का. रूम नंबर वन. दीवार मत देखो, दीवार दिखाओ. मतलब वो सारी सीलन आ चुकी है. ये पड़ोसियों की वजह से सीलन आ गई है. बट ये है दीदी का रूम नंबर वन. बहुत ही साफ सुथरा अच्छा प्यारा रूम. और ये है इसका वॉशरूम. वॉशरूम में से देखने वाली चीज दी है बट ये अटैच्ड वॉशरूम है. इसमें मैं ये बता सकती हूं डीएलएफ का वॉशरूम बहुत ही वैसे भी गंदा है. डीएलएफ के वॉशरूम्स ज्यादा अच्छे नहीं है. और यही वो रूम है जिसका मैंने आपको बोला था कि यहाँ से ये बालकनी अटैच होती है बाहर के लिए. जो हमने हॉल से देखी थी वो इसके साथ अटैच होती है. अब जाते हैं सेकंड रूम में. देखो देखो रियल एस्टेट में ले लेगा कोई. डीएलएफ हमारे घर की भी बनाओ. ये अभी जैसे हम इस वाली जगह पे एंटर हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक दीदी ने फैमिली वाली वो बनाई है, वॉल बनाई है. ये एक एक्स्ट्रा हॉल के साथ अटैच्ड वॉशरूम भी है यहाँ पे. अब आएंगे हम सेकंड रूम में. सेकंड रूम है ये वाला रूम जहाँ पे कभी हम सोया करते थे जब सब चारों दीदी के पास ही रहते थे. तो ये सेकंड रूम है. इसकी बालकनी और थर्ड वाले की बालकनी जो है वो अटैच्ड है, तो वो मैं आपको थर्ड वाले रूम से दिखाऊंगी क्योंकि मुझे दीदी ने बोला था कि ये वाला रूम ज्यादा नहीं दिखाना गंदा. तो ये है थर्ड रूम, चारों दीदी का रूम. जैसे अच्छे गणेश दिख रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए सबसे पहले. और ये वाली वॉल चारों दीदी और आदि की पिक्चर्स की वॉल है. इसके साथ भी अटैच्ड वॉशरूम है. वॉशरूम में आपको किसी के भी नहीं दिखा रही हूँ बट व्यू दिखाती हूँ आपको. यहाँ से पीछे का व्यू देखो, पूरा ऐसे ग्रीन एरिया दिखता है. इम्पोर्टेंट चीज तो मैंने मिस ही कर दी. ये है हमारे जूनियर का बेड और जूनियर का ब्लैंकेट. हॉल से ही इधर किचन में आ गए हम. आधे कर दिया ना साफ किचन भी. मैं दीदी को बोलता थोड़ा सा रहने दो कि लगे कि यहाँ इंसान रहे हैं, कुछ खाया पिया. पर गंदा है ये देखो. अच्छा सब गंदा दिखाने हैं, ये भी लोग गंदा नहीं चाह रहे दीदी. अच्छा सुनो, किचन में ये जितना स्पेस इस किचन में है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट स्पेस है. इतना ही स्पेस होना चाहिए बेसिकली किचन में. यहाँ पे सब चीजें आराम से फिट होगी. ओटीजी भी आ गया हुआ है यहाँ पे. यहाँ पे वॉशिंग वो यूटेंसिल्स को धोने वाला क्या बोलते हैं इसको, डिशवॉशर. हाँ डिशवॉशर भी आ गया है. ये जो साल में दो बार यूज होता है. मतलब कि सब कुछ परफेक्टली फिट हो गया है यहाँ पे. इतना ही किचन होना चाहिए. अभी गंद दिखाना है ना, ये देखो गंद. आ जाओ लो दोस्तों, ये देखो गंद. ये है हरे चने खा के फेंके हुए. ये देखो ये है ये डस्टबिन. ये है वो देखो पोचा. तो ये वो वाली बालकनी जो वहां से मैंने दिखाई थी. और और गंद दिखाना है, और गंदी दिखाना है. और यहाँ पे घर एंड हो जाता है. इतना ही था ये घर वाला एरिया हमारा. मैंने सबसे पहले आप लोगों को इस घर का इसलिए होम टूर दिया क्योंकि चारों दीदी ने इस घर को ना बहुत सुंदर बनाया. मतलब एक एक चीज़ दीदी ने खुद चूज करके, कलर से लेके वॉल्स तक सब चीज़ें खुद चूज करके लगवाई है यहाँ पे. तो ये घर सबसे सुंदर है. तो मैंने ऑब्वियसली सबसे पहले आप लोगों को इस चीज़ का होम डीएलएफ के घर का होम टूर दिया. बट अगर ये आप लोगों को पसंद आया तो मैं बाकी भी सब घरों का होम टूर दूंगी, पड़ोसियों के घर का भी होम टूर दूंगी. बट तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल. बाय.